26 जुलै 1999 ला भारतानं कारगिल युद्ध पाकिस्तान विरुद्ध जिंकलं। तेव्हापासून प्रत्येक वर्षी आजचा दिवस विजय दिवस म्हणून साजरा केला जातो। आज देशभरात कारगिल विजय दिवस साजरा केला जातोय। लोणावळा शहरातील वीरस्थल इथे देहू रोड कॅन्टोनमेंट बोर्डाच्या वतीनं विजय दिवस साजरा करण्यात आला। देशासाठी ज्या वीरपुत्रांनी आपल्या अनमोल प्राणाची आहुती दिली त्यांना यावेळी आदरांजली वाहण्यात आली। शहरातील वीर स्थल इथे देहू रोड कॅन्टोनमेंट बोर्डाच्या वतीनं विजय दिवस साजरा करण्यात आला। देशासाठी ज्या वीरपुत्रांना आपल्या अनमोल प्राणाची आहुती देऊन देशाचं संरक्षण केलं अशा वीरांचे विचार पुढे नेऊन देश रक्षणासाठी सदैव तत्पर राहण्याचं आवाहन देहू रोड कॅन्टोनमेंट बोर्डाचे सीईओ रामस्वरूप हरितवाल यांनी केलं। कारगिल युद्धात सहभागी असलेले देहू रोड लष्करी मुख्यालयाचे डेप्युटी कमांडंट विजय चौधरी यांनीही कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली। देहू रोड शहरातील विविध शाळकरी मुलांनी या कार्यक्रमात देशभक्तीपर गीत सादर करत कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। जरूर अपना एक्सपीरियंस बताता कि क्या हुआ था। आप में से कोई ना कोई जरूर गए होंगे उस एरिया में। एक जोजिला पास है कश्मीर वैली से, जब हम लेह लद्दाख जाते हैं एक पास को क्रॉस करके जाते हैं जिसका नाम जोजिला पास है। आज कारगिल विजय दिवस हमारे पूरे कंट्री में बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे देहू रोड कैंटोनमेंट बोर्ड में हमने एक स्कूल के बच्चों के साथ में प्लस हमारे जो भी बोर्ड मेंबर्स है, हमारे डिप्टी कमांडर साहब है, सबके साथ मिलके एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और आज के दिन का सबको मैं पूरे जो भी हमारे देहू रोड का या कंट्री की पब्लिक है सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें हमारी आर्मी का एक उनको अलग से या आइसोलेशन में नहीं देख के उनको एक हमें होलिस्टिक वे में देखना होगा कि वो हमारी आज बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारी सिक्योरिटी कर पा रहे हैं, सुरक्षा कर पा रहे हैं, उसी की वजह से आज हमारा देश फ्लोरिश कर रहा है और जब हमारे देश की जो डेमोक्रेसी बची हुई है वो शायद उन्हीं की वजह से बची हुई है। सो सारे बच्चों से या जो भी काम करने वाले लोग हैं, फार्मर्स हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम अपनी ईमानदारी से और मेहनत से कीजिए। ओके।